मैंने आपको बताया ना कि मुझे इस नंबर से कॉल आई थी। मुखबरी इतनी पक्की थी, मेरा मतलब कहने का ये है कि किसी शक और शुबे की चेकिंग के बाद गुंजाइश निकलती ही नहीं थी। मतलब ये कि बताने वाले को 100% यकीन था कि गेट पे उस वक्त वो बैग रिसीव होगा। टाइम के आगे पीछे होना भी मुमकिन नहीं था। जी, वो फोन पर ऐसे बता रहा था कि जैसे वो खुद देख रहा हो। कुछ गड़बड़ लगती है। हमारी यूनिवर्सिटी इस वक्त पीक पर है, किसी और इदारे की साजिश भी हो सकती है। सर, मुझे तो ये नहीं पता कि किसी इदारे की साजिश है या किसी बच्चे की साजिश है या फिर ये लड़की खुद ही ये काम कर रही है। ये तो पता चल ही जाएगा। पीसी ने भी आपसे कहा है कि प्लीज आप पुलिस को मिसअंडरस्टैंडिंग की स्टेटमेंट दीजिएगा। हम खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिलहाल इदारे को बचाएं। मैंने आपको पहले भी बताया, फिर बता रही हूँ कि मैंने अभी पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे बिल्डिंग में ड्रग्स कौन सप्लाई कर रहा है? मैं इतनी सारी बच्चियों को लेकर बैठी हूँ, आखिर क्या हो रहा है हमारे साथ? मैंने आपसे कहा ना कि इसको प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा। मुझे वो नंबर भी दीजिए जिससे कॉल आई थी। जी। ये ले। आप श्योर हैं कि यही नंबर है? जी, आप इस नंबर को पहचानते? नहीं, मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था। देखिए, फिलहाल इस मामले को आप अपने तक ही रखिएगा और खजिस्ता को भी नॉर्मल लें आप। मैं खुद ही इसको प्राइवेटली इन्वेस्टिगेट करूंगा, फिर बताऊंगा। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और ये सामान? ये आप मुझे दे दीजिए, मैं वीसी के ऑफिस में भिजवा दूंगा। लाइए, चलिए।